इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को खुश रखना है। ये बातें सही कह रही हो तुम। इसलिए खुशी का जो मौका मिले उसे लूज मत करो। जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो, और जो मोहब्बत नहीं देना चाहता उसकी परवाह मत करो। यार मैं कोई टीनेजर थोड़ी हूँ, आई एम अ मैरिड वुमन ना। डोंट बी सिली। आप छोड़ दें, हम कर लेंगे। जी अच्छा। मैंने भी बड़े बड़ों को उंगलियों पे नचाया। मम्मी, घर से इतने कपड़े निकल आए हैं, शॉपिंग कम ही करनी पड़ेगी। आधे तो सनम के और ये सोने का सेट भी, लेकिन जहेज की तो नौबत ही नहीं आई। अम्मी आप अरसलान भाई को समझाएं, वो हमारे एक ही तो भाई हैं, और अकलौते भाई की शादी पे बहन ना आए ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा ना। समझाने की कोशिश तो करती हूँ बेटा, लेकिन वो समझता ही नहीं। अम्मी आप सनम को खुशखबरी तो दें, वो बहुत खुश होगी और जरूर आएगी, और उसे ये कहें कि वो भाई से माफी मांग दे, और यहाँ हम अरसलान भाई को राजी कर लेंगे, सुलह हो ही जाएगी। नंबर मिला। जी अम्मी। बेटा मुबारक हो, अरसलान की शादी हो रही है। अच्छा, मुबारक तो आप लोगों को। आप लोगों का क्या मतलब बेटा? तुम उसकी बहन हो। बहन थी, रिश्ता वो खुद खत्म करके गया, तो अब मैं क्या करूँ? अच्छा गुस्सा छोड़ो ना। देखो तुम अरसलान को फोन करके माफी मांग लो, बाकी काम हम कर लेंगे। किस बात की माफी मांग लो? ज्यादती उन्होंने की है, माफी मैं मांगू? बेटा सलान की बहन है ना, झुकने को तैयार ही। बहन ये घर के बिल्स हैं और ग्रोसरी भी खत्म हो गई है, और बहुत कुछ लाने वाला है। ये ले जा, ले आइएगा। मैडम एक बात कहूँ? मैं इस घर का मुलाजिम ही नहीं, दानियाल साहब का हमदर्द दोस्त और हमराज भी हूँ। आप इस घर में खुर्रम साहब की वजह से हैं।